साथियों, जिन देवी देवताओं की या भगवान की हमें पूजा या आराधना करना सिखाया जाता है, जिनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाते हैं, जिनके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम मेंटली इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनसे हमें डर लगने लगता है। डर हमारा लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने जाते हुए भी हम डरते हैं। बहुत बार हमारे अंदर उनके प्रति ऐसे ख्याल उठने लगते हैं कि उन्हें हम एक कागज और पेन लेकर के लिख नहीं सकते। हमारे लिए दर्द ये बढ़ता चला जाता है। इससे बाहर आने के लिए हम बहुत सारे रिचुअल्स पकड़ते हैं। रिचुअल्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उससे और ज्यादा हमें दर्द होने लगता है। इसी को हम ओसीडी का नाम देने लगते हैं। हम इससे बाहर आना चाहते हैं। जितनी बाहर आने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम गहरे फंसते हैं। साथियों, आज यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है, क्यों हमारा प्रेम हमारी श्रद्धा डर में बदल जाती है, क्यों हमारे अंदर इस तरह के ख्याल आने लगते हैं जिनको हम किसी दूसरे से शेयर भी नहीं कर सकते। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। माना कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सन से आप मिलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपकी कोई मुलाकात नहीं है। इसके बीच के कुछ लोग हैं जो आपको उसके बारे में लगातार बताते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनके नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। गलती हो जाए तो सजा देते हैं, वो आसानी से किसी को माफ नहीं करते। लगातार जब बीच के लोग उनके बारे में आपको इस तरह की बातें बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, और ये भी पता नहीं कि उन लोगों की अपनी ये ओपिनियन है, परसेप्शन है, या उनका ये अनुभव है, लेकिन लगातार आप सुनते सुनते आप उस इंसान के प्रति एक अपना परसेप्शन या बिलीफ पैदा कर लेते हैं। आप उसके साथ में नेगेटिवली एंकर्ड हो जाते हैं। जब भी वो इंसान आपके सामने आएगा या उसका ख्याल आएगा, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे, आपके अंदर डर बढ़ेगा। लेकिन एक दिन अचानक से आपकी और उसकी मुलाकात हो जाती है। आप मिलते हैं तो देखते हैं वो बहुत ही प्रेम से, करुणा से, सद्भाव से, सहयोग से भरा हुआ है। आपसे प्रेम पूर्वक बात करता है, सहयोग की बात करता है। आपका अचानक परसेप्शन जो बना हुआ था वो टूट जाता है। आपको लगता है कि अभी तक तो आप कुछ और ही सोचते थे, मगर वो तो कुछ और है। जैसे ही आपका अनुभव पॉजिटिव होता है, वहीं पर आपके गलत बिलीफ गिर जाते हैं। आपकी नेगेटिव एंकरिंग जो अभी तक उस इंसान के साथ थी, अब आप पॉजिटिवली एंकर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे और भगवान के बीच में भी कुछ अज्ञानी ठेकेदार आ जाते हैं, जो हमारे परसेप्शन को अपनी ओपिनियन से लगातार पल्यूट करते रहते हैं। भगवान को, जिसकी हमें पूजा अर्चना आराधना करना सिखाया जाता है, उसी के साथ साथ जैसे हम बड़े होते हैं, परिवार में, समाज में, आसपास बहुत बार हमें भगवान के नाम पर डराया जाता है। बच्चे को ही हम डराना शुरू कर देते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान पनिश करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो देवी माँ आपको पनिश करेंगी। इंसान बड़ा होता है तो उसे बड़े डर दिखाए जाते हैं, समाज के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा। डर इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि मरने के बाद भी आपको भगवान सजा देंगे। भगवान के नाम पर सजा इतनी जोड़ दी जाती है कि हमें सजा ज़्यादा दिखने लगती है, डर ज़्यादा दिखने लगता है। कोई भी हमसे गलती होती है, भूल होती है, तो सिर्फ हमारे अंदर एक ही ख्याल आता है कि अब भगवान सजा देंगे, माफ़ नहीं करेंगे। हम उस सजा को माफ कराना चाहते हैं, उस दर्द से बाहर आना चाहते हैं। हम अनेक रिचुअल्स में पड़ जाते हैं। रिचुअल क्या करने हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है ताकि वो हमें सजा ना दे, उपहार देने लगे, हमें अपने दिल से लगाने लगे। इसके लिए बाजार में अनेक लोग उपलब्ध हैं जो हमें अनेक तरह के रिचुअल्स बताते रहते हैं। समाज में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। हम उन रिचुअल्स में इतने फंस जाते हैं, सुबह से शाम तक उन्हें लगातार करते रहते हैं। कभी अपने माइंड के अंदर, कभी आप फिजिकली अपने घर में, रास्तों में, कहीं पर भी करते चले जाते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो आपको दर्द देने लगती है। दोस्तों, आप समझ नहीं पाते कारण क्या है, किस तरह से हम इस दर्द से बाहर निकलें। आप इस चक्रव्यूह में गहरे फंस जाते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद में अब आपका दर्द बढ़ता है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कई बार दवाइयों का सहारा लेना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ ही सेकंड्स में इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत बार आप थेरेपीज का सहारा लेना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक या दो घंटे में मैं किसी तरह से इससे बाहर आ जाऊं। आपका लगना या आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दर्द जब गहरा होता है तो हम इसी तरह से उससे बाहर आना चाहते हैं।
मगर दोस्तों आपको सोचना होगा जिस गड्ढे में आज गिरे हैं आप, आपको इसे खोदने में कितना समय लगाया गया है, कितना समय लगा है बचपन से आपको भगवान के बारे में किससे, कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से दिखाकर बताकर आपको डराया गया है। बचपन से इतना डर जब आपके अंदर बैठ जाता है, एक तरफ तो पूजा, दूसरी तरफ आपके अंदर डर, जब इतने गहरे गड्ढे में होते हैं तो इससे बाहर निकलने में भी थोड़ा समय लगता है। इंस्टेंट राहत के लिए यदि आप कोई उपाय चाहेंगे तो निश्चित ही फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। लगातार डर आपका माइंड आपको आज दिखाता रहता है, डर के विचार आपके अंदर चलते रहते हैं भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। इसका कारण एकमात्र इतना है कि अब आसपास के समाज के वो लोग या परिवार के वो लोग आपसे दूर हो गए होंगे, आप अकेले होंगे, लेकिन अभी भी आपके अंदर चलता है तो बात साफ है कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर चुका है। वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं डर को, उन्हीं विचारों को आपको दिखाता रहेगा, दूसरी साइड में आपके लिए बताए गए रिचुअल्स को भी दिखाता रहेगा, समझाता रहेगा आप ऐसे करेंगे तो राहत मिलेगी, लेकिन राहत आपको नहीं मिलती। यहाँ पर अब आप थोड़ा अपने आप को समझाना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा विवेक से काम लेना होगा, अवेयरनेस से काम लेना होगा। यहाँ पर इतना सुनने के बाद में आपको लग सकता है कि आप उन लोगों को ढूंढने निकल जाएं जिन्होंने आपको समझाया था, बताया था, डराया था, गड्ढे में गिराया था, ये फिर एक अज्ञानता होगी। साथियों आप उनको ढूंढने मत निकलना, उनसे झगड़ा मत करना, उनके ऊपर दया करना, क्योंकि उनको भी किसी ने यही बताया था और समझाया था, जो उनके पास बेस्ट था वो आपको दे करके चले गए, लेकिन अब जरूरत है कि आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी होंगी, गहराई से आप समझ पाएंगे तो निश्चित ही आपको राहत मिलने लगेगी। समझने के लिए आप थोड़ा सोच करके देखिएगा, जिसे आप भगवान बोलते हैं, देवी देवता या परमात्मा बोलते हैं, जिसके लिए आपने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, आपने गुरुद्वारे बनाए हैं, जरा सोच करके देखिएगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। आप उन्हें भगवान आखिर क्यों बोलते हैं, आप उनके सामने क्यों झुक जाते हैं? कारण बहुत साफ है कि उनके अंदर दया था, प्रेम थी, करुणा थी, सद्भावना था, सहयोग थी। वो केवल इन पॉजिटिव इमोशंस से ही अपने आप में भरे रहते थे, ना केवल भरे रहते थे बल्कि उनके एक्शन और बिहेवियर में भी वो प्रकट होते थे। इसीलिए आज आप उनको भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, इसीलिए आज आप उनकी पूजा या अर्चना करते हैं। यही सिर्फ कारण है कि वो पॉजिटिव इमोशंस से भरे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ समाज में लगातार प्रोग्रामिंग की गई, डराया गया कि आपको सजा देंगे, मारेंगे, पनिशमेंट मिलेगा, आप नर्क में जाएंगे, आप सड़ जाएंगे। मरने के बाद भी साथियों इतना डर दिखा दिया गया कि इंसान को आज मरने से पहले भी डर लगता है, वो अपने अंदर गिल्ट से, गुस्से से, नफरत से भरा हुआ है, बचने के लिए रिचुअल्स करता है, वहां से भी उसे दर्द मिलता है। मैं आपको समझाना या बताना चाहता हूं कि अभी हमने समझी कि परमात्मा की प्रॉपर्टीज क्या हैं, देवी देवताओं की, जिन्हें आप अवतार मानते हैं, पूजा करते हैं, वो केवल पॉजिटिव इमोशंस से भरे हुए थे। वो कभी भी आपको सजा नहीं देंगे, कभी भी आपके साथ में ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी भी नफरत नहीं करेंगे, कभी भी असहयोग की भावना नहीं होगी। आज आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आज आप पृथ्वी पर हैं, तो ये सिर्फ उनके प्रेम, करुणा, सहयोग और सद्भावना का ही प्रतीक है। आप इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि उनके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं है? बस बीच के कुछ लोगों ने अपनी ओपिनियन को आपका परसेप्शन बना दिया, आपने अज्ञानता में उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन परसेप्शन को हम तोड़ सकते हैं, परसेप्शन साथियों तोड़ना होगा, वरना परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा भारी हो जाता है और इंसान उसी परसेप्शन से बाहर नहीं आ पाता, उसी में से कष्ट निकलता है। हमें समझ आता है कि जिसकी प्रॉपर्टीज केवल पॉजिटिव है कभी भी वो नेगेटिव नहीं करेगा। फिर समझाया जाता है कि आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो इसीलिए आ रही है कि भगवान आपको पनिश कर रहा है, आप फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, लॉस हुआ है, धोखा दिया है, तो ये सिर्फ आपको दिया गया है, भगवान का पनिशमेंट है, भगवान आपसे नाराज हैं, आप उसे खुश कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि विपरीत परिस्थितियों में आप लेसन ढूंढ लेना, परमात्मा जब सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो उसकी कोई डायरेक्ट संवाद की भाषा आपके पास नहीं है, वो परिस्थितियों से आपकी कमजोरियों को आपको अवगत कराना चाहता है। वो किसी के मुंह से बोलता है, किसी की आंखों से देखता है, किसी के पैरों से चल करके आपके पास आता है, बताता है, परिस्थितियां क्रिएट करता है ताकि आप मैच्योर बन सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ सके। लेकिन बस आप इन सभी परिस्थितियों में उसके लिए धन्यवाद मत खोना, उसके प्रति अपना प्रेम, सहयोग बना करके रखना,
आप पाएंगे कि आपके अंदर आज जो भी कचरा है किसी भी परमात्मा से रिलेटेड, देवी देवता से रिलेटेड, वो दूर होने लगेगा। लगातार अब आपको इसके लिए दूसरा काम भी करना होगा। दूसरे काम से मेरा मतलब है कि जब आपको पता चलता है कि परमात्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव जितना भी कचरा घुसा हुआ है, इसे निकालने का कोई ऐसा तरीका नहीं कि जैसे अपने घर से आप कचरा बाहर निकाल लेते हैं, एक ही दिन में पूरे घर को आप साफ कर लेते हैं। कचरे को भरने में दोस्तों बहुत समय लगा है, इसे निकालने में और सही स्टफ को भरने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। अब बस आप बार बार रियलाइजेशन के लेवल पर, अपने सेल्यूलर लेवल पर, आप इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ में अपने आप से बार बार प्रेम करुणा सहयोग परमात्मा की प्रॉपर्टीज है, इन्हें आप लगातार बोलते रहिएगा। परमात्मा का स्वभाव क्या है? वो दयालु है, वो प्रेम करता है, वो करुणा करता है, वो सहयोग करता है, उसके अंदर सद्भावना है। इस तरह के लोग जो बात करते हैं आप उनसे मिलते रहिएगा, इस तरह के प्रोग्राम आप देखते रहिएगा। दोस्तों यदि कचरा हमारे दिमाग में डाला गया है तो उन लोगों की अज्ञानता थी या उनके पास भी जो था वो दे चले, अब आप इसके लिए परेशान मत होना। अपने अंदर किसी तरह का एग्रेशन मत रखना, अपनी सफाई के लिए केवल काम करना। जब आप लगातार ऐसा करते रहेंगे, बार बार ऐसा करते रहेंगे, दो बार करने से, चार बार करने से हो जाएगा? नहीं साथियों, हजारों बार आपके साथ किया गया है, आपको सैकड़ों बार बोलना होगा, हजारों बार बोलना होगा। बस कुछ दिन बाद ही आप कुछ प्रैक्टिस के बाद पाएंगे कि आपके अंदर वो आवाज़ें फिर से पॉजिटिव गूंजने लगी, आपके अंदर के इमेजिनेशन विजुलाइजेशन पॉजिटिव होने लगे, आपका डर प्रेम करुणा में बदलने लगा, आपके अंदर की नफरत या आपके अंदर का गुस्सा किसी के भी प्रति जो था वो अब खत्म होने लगा, आपके अंदर फिर से वो श्रद्धा जागने लगी, आप रिचुअल से बाहर निकलने लगे। क्योंकि जब आप लगातार अपने आप से बोलेंगे तो कुछ दिन बाद फिर से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पॉजिटिविटी को टेक ओवर कर लेगा, वो लगातार अपने अंदर रजिस्टर करेगा, बार बार वो आपको परमात्मा के, देवी देवताओं के पॉजिटिव गुणों के बारे में बताता रहेगा, समझाता रहेगा, आपका कनेक्शन गहरा होता रहेगा, आप अपने दुखों से या कष्टों से बाहर आते रहेंगे। बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, निश्चित ही जीवन बदलेगा साथियों। ओवर ए नाइट साथियों, ना ही तो आप गड्ढे में गिरे हैं, ना ही आप ओवर ए नाइट निकल सकते हैं। जब हमारे अंदर कन्फ्यूजन बढ़ जाते हैं, डर बैठ जाता है, तो निकलने में कुछ तो समय लगता है। अर्जुन को भी लॉर्ड कृष्णा को कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए 18 चैप्टर्स लगे थे, आपको भी कुछ समय तो लगने ही वाला है। निश्चित ही आप अपनी CBT खुद कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आपकी समझ भी बदलेगी, आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। दोनों का ही परिणाम होगा साथियों कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटने लगेगा, आपका डर भागने लगेगा। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में जब हम फंस जाते हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे आप जिस तरह भी जीवन में फंसे हैं, हमारे पास इनर क्लैरिटी होनी चाहिए और हमारे पास इनर पावर होनी चाहिए, वरना बाहर से ली गई इन्फॉर्मेशन, सुना हुआ ज्ञान हमारे काम नहीं आता यदि हमारे पास में अपनी इनर पावर नहीं होगी। इनर पावर और इनर क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो हमारे 21-day ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। आज के दिन तक इसने अनेक लोगों की हेल्प की है, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।